और मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ जज साहब। जज साहब, इस रिपोर्ट में वाज़े लिखा हुआ है कि मेरी नेमत एक ज़हनी मरीज है। इन्होंने जो भी किस्से कहानियां सुनाई हैं, उन्होंने अदालत का वक्त जाया किया है। उनमें से एक बात भी ऐसी नहीं जो काबिल यकीन हो। ऑब्जेक्शन है उन्होंने। मैं मानता हूं कि मेरी नमत जहनी मरीजा थी, लेकिन अब वो बिल्कुल सेहतमंद। जज साहब, जहनी तौर पे कौन ठीक और कौन बीमार है, इसके लिए एक केस और चलाना पड़ेगा। थैंक यू सर। ये अदालत आधे घंटे के लिए मुलतवी की जाती है। अगर किसी के पास कोई सबूत, कोई गवाह है तो वो फौरन अदालत में पेश करे। एडजर्न। हिम्मत से काम लें अम्मी, इस तरह रोती रहेंगी तो मेरी भी हिम्मत टूट जाएगी। रो नहीं तो और क्या करूं। सलमान मुझे पागल साबित करके हंस रहा था। वो ऐसे कैसे कर सकता है? आपको अभी भी यकीन नहीं आया कि सलमान क्या क्या कर सकता है? शाइस्ता भाभी की गोद से मेरी गोद में आया था। लम्हा लम्हा पाल के उसे इतना बड़ा, इतना जवान किया और वो अपनी मां पे हंस रहा था। कैसे? मैं हूं ना आपकी बेटी है, आप कैसा? मैं तुम हो मेरे साथ, मेरी अपनी बेटी, मगर मैं मां किस काम की जो अपनी बच्ची की गवाही के काम भी नहीं आ सके। आप ऐसी मां हैं जो इस वक्त में मेरे साथ खड़ी हैं। माँ कभी भी अपनी औलाद को तन्हा नहीं छोड़ती, ऐसी माँ है आप। लेकिन आप परेशान ना हो, अदालत में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। वो लोग अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन हम भी पीछे नहीं हटेंगे, हम भी पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात का मैं आपको यकीन दिला दूं, हम केस जीतें या हारें, उनके हाथ भी खुश नहीं लगेंगे।
हौसले से काम लें, सब ठीक होगा। वाह बेटा सलमान भाई, तुम तो बाप से भी ज्यादा समझदार निकले हो। सब कुछ तैयारी कर रखी है। और रहा मैरीन का क्या है, पागल है? और पागल की कौन सुनेगा? हाँ इस केस को हारने के बाद अरूज और उसकी माँ का जो हाल होगा ना, दुनिया देखी। भाई आधा घंटा हो गया। आज तो निपटाई दें इस केस को। अरे हाँ देखते जाइए ना भाई, मुझे अपनी फीस भी तो हलाल करनी है। हाँ चले 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 आओ बेटा। मास्टर साहब खुदा खैर करे, उरूज और महरीन बहन अभी तक कोर्ट से नहीं आए। ऐसे कामों में देर सवेर हो जाती है नसीमा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। फिक्र मत करो, अच्छे की उम्मीद रखो। आमीन। ऐसा नहीं हो सकता कि उरूज सब कुछ उन लोगों को अपना सदका समझ के बख्श दे। और सदका तो जिंदगी बढ़ाता है ना, और ये सब कुछ मैं उरूज की हिफाजत के लिए बोल रही हूँ। नहीं नसीमा, अपना हक नहीं छोड़ना चाहिए, ना किसी का हक रोकना चाहिए। बस तुम दुआ करो उरूज ये केस जीत जाए। आमीन।